जिला स्थित कृषि विभाग के परिसर में आग लग गई। घटना के बारे में बताया जा रहा है कि कुछ लोगों ने बाउंड्री वाल के पीछे अपने खेत में पुआल जलाया था, लेकिन देखते ही देखते आग कृषि विभाग के परिसर में प्रवेश कर गई। दमकल की टीम ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया है। जमशेदपुर में फार्म हाउस में आग लग गई। आग लगने से 2 लाख के नुकसान होने का अनुमान लगाया जा रहा है। फार्म के मालिक वापी सेठ का कहना है कि बिजली विभाग को लगातार सूचना दी गई, मगर फिर भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। फार्म हाउस में बत्तखों का भी पालन किया जा रहा था। ये शॉर्ट सर्किट का चलते मेरा फार्म जला है अभी, और इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट को हम बार बार बोलते हैं, यहाँ ट्रांसफार्मर लगा हुआ सामने, वो लोग आता है बनाने के लिए, हम बोलते हैं जो ये वाला तार कम से कम तुम लोग सेफ्टी करो। हम बार बार बोलते हैं, जब भी आता है तब भी बोलते हैं, बहुत बार बोले हैं, लेकिन मेरा बात का कोई ध्यान नहीं दिया। इसी का कारण इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट का लापरवाही का चलते मेरा फार्म जला है। 2.5 से 3 लाख रुपया मेरा अभी तक। रांची के कांके डैम को अतिक्रमण मुक्त बनाने के लिए जिला प्रशासन ने विशेष अभियान शुरू किया है। ऐसी कड़ी में कांके डैम के सरोवर नगर में प्रशासन ने अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया। इस दौरान आसपास के इलाके में अवैध आवास, झुग्गी झोपड़ी सहित दुकानों को भी उखाड़ फेंका गया। संदर्भ में रातू अंचल और देहल अंचल दोनों मिलाकर के कुछ काफ़ी लोगों को हम लोगों ने नोटिस जारी किया था 1 साल पहले, और इन्हें हटाने हेतु जो है निर्देश दिया गया था, लेकिन जो है ना इनके द्वारा हटाया गया और पटनावासी स्वच्छता ऐप से शिकायत करने में दिलचस्पी नहीं दिखा रहे हैं। यहां तक कि ऐप को डाउनलोड भी नहीं किया गया है। ऐसे में स्वच्छता सर्वे के इस मानक पर पटना नगर निगम लक्ष्य से पीछे चल रहा है। मानक पूरा करने के लिए कुल होल्डिंग के कम से कम 15% लोगों का ऐप डाउनलोड करना जरूरी है। पटना नगर निगम के रिकॉर्ड के अनुसार 2.5 लाख होल्डिंग है। इस तहत 45,000 बार ऐप डाउनलोड होना जरूरी है, लेकिन अभी तक सिर्फ 25,000 लोगों ने ही स्वच्छता ऐप डाउनलोड किया है। यानी अब भी नगर निगम में न्यूनतम 20,000 लोगों को स्वच्छता ऐप डाउनलोड करना होगा। सीतामढ़ी जिले में यूनिसेफ ने लोहिया स्वच्छता अभियान के तहत 2 दिवसीय कार्यशाला प्रशिक्षण का शुभारंभ किया। इस अभियान के दौरान लोगों में स्वच्छता के प्रति जागरूकता और व्यवहार परिवर्तन को लेकर चर्चा की गई। वहीं यूनिसेफ की विचार संचार विशेषज्ञ मोना सिन्हा ने बताया कि लोहिया स्वच्छता अभियान को लेकर केंद्र सरकार काफी क्रियाशील है, वहीं बिहार सरकार का प्रयास भी काफी सराहनीय है। ये एक प्रशिक्षण के साथ साथ एक कंसल्टेटिव मीटिंग भी है, जहाँ पे हम जो बता रहे हैं साथ ही साथ हम जानकारी भी ले रहे हैं, क्योंकि जब हम लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान या स्वच्छ भारत मिशन की बात करते हैं और शौचालय के उपयोग की बात करते हैं तो व्यवहार परिवर्तन एक बहुत अहम। महाराष्ट्र सहित अन्य राज्यों में कोरोना के संक्रमण के बढ़ते मामलों को ध्यान में रखते हुए मुजफ्फरपुर जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर आ गया है। जिलाधिकारी प्रणव कुमार ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि सार्वजनिक स्थानों पर मास्क जरूर लगाएं और सामाजिक दूरी का भी पालन करें। लेकर हम लोग बताना चाहेंगे कि बहुत खुशी का विषय है कि पिछले 10 दिनों में मुजफ्फरपुर जिले में एक भी कोविड के पॉजिटिव केस नहीं मिले हैं, लेकिन वहीं दूसरी ओर हम लोगों को यह भी कहना पड़ रहा है कि अब लोगों में एक आत्मसंतुष्टि की भावना आ गई है और कई जगहों पर लोग मास्क का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, सामाजिक दूरी का पालन नहीं कर रहे हैं। ये कहीं भी स्वीकार्य नहीं है, उचित नहीं है। अभी हम लोग देख रहे हैं कि कई स्थानों पर पुनः कोविड-19 के संक्रमण की बातें। मोतिहारी जिले से 6 सदस्यीय दल अनुमंडलीय अस्पताल पहुंचा। इस दल का नेतृत्व DDC कमलेश्वर कुमार सिंह और CS अखिलेश्वर प्रसाद सिंह संयुक्त रूप से कर रहे थे। अधिकारी ने चमकी बुखार को लेकर तैयारियां और इसके इस्तेमाल में आने वाली दवाओं की समीक्षा भी की। इससे पहले टीम ने अस्पताल के 3rd तल्ले पर अव्यवस्थित IS कक्षा का भी निरीक्षण किया। आपको बता दें कि मोतिहारी में गर्मियां शुरू हो गई है कि चमकी बुखार का प्रकोप भी शुरू हो गया है। AES का वार्ड हम लोग देखने आए थे कि अब
उसका सीजन शुरू हो चुका है कि तो जिससे कि उसकी जब वहाँ पर आने की संभावना है तो था कि यहाँ पर उसकी क्या तैयारी है उसी को देखने के लिए आए थे। यहाँ पर काफ़ी अच्छी स्थिति में पाया गया है, यहाँ पर जो बना हुआ है 5 बेड का उसमें ये सारी व्यवस्था है, और यदि कोई दुर्भाग्यवश आते हैं तो उनका हम लोग यहाँ पर अच्छा सिराज। वही सीतामढ़ी में जिला मुख्यालय डुमरा स्थित बीआरसी भवन में शिक्षा विभाग और पीरामल फाउंडेशन ने संयुक्त रूप से सक्षम बिटिया अभियान का शुभारंभ किया। इस दौरान जिला शिक्षा पदाधिकारी समेत उपस्थित पदाधिकारियों ने पोस्टर का अनावरण भी किया। इस दौरान डीईओ ने कहा कि जिले की ज्यादा से ज्यादा लड़कियों को इससे जोड़कर हर गाँव में सक्षम बिटिया अभियान चलाया जाएगा। साथ ही आने वाले दिनों में यह अभियान जिले के स्कूलों में ड्रॉप आउट्स में कमी, ट्रांजिशन रेट में बढ़ावे के साथ गर्ल्स एजुकेशन को भी इम्प्रूव करेगा। खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही, बने रहें इस न्यूज के साथ। नमस्कार।